सुबह के 4:30 बज रहे हैं, थोड़ा आधा घंटा लेट है बस। गाइज स्वागत है आपका नदरो ब्लॉग में। गाइज आप लोग आज जा रहे हैं शिरडी, मेरे कल ऑफिस का छुट्टी है, बंद है, दशहरे को बंद रहता है, तो हम लोग आज जा रहे हैं शिरडी। बस में अभी मैं बस के लिए खड़ा हूँ, बस आने वाली हमारी और बस आने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। दोस्तों गाइज हम फाइनली बैठ गए बस में, मैं और दिलशा, हम लोग जा रहे हैं शिरडी। आप सबको पहले ही पता है हम लोग जा रहे हैं शिरडी। ये हमारी बस है और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है और एसी बस है और हम लोग निकल गए अभी। देखिए आपको बस बताता मैं, एकदम मस्त बस है, अंदर ब्लैंकेट वगैरह सब दिया हुआ है बस में और साफ सफाई भी अच्छा है, मस्त अच्छी बस है। सो अभी टाइम हो गया है, अभी टाइम हुआ है करंटली 9:30 बजने का है और अभी हम पूना में ही है, कालेवाड़ी से थोड़ा आगे निकले और पूना पूरे पूना को क्रॉस करने में इसको कम से कम 11:30 बज जाएंगे। सो हम 11:30 बजे तक पूना से निकलेंगे और सुबह 3:50 बता रहे पूना शिरडी पहुँचने का, 3:50 तक पूना शिरडी पहुँचेंगे और उसके बाद हम लोग नहा धो के कहीं पर होटल में रुके, नहा धो के फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे, दर्शन अर्शन करेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं क्या प्लान होता है। ओके सो दीक्षा अभी आ गया है, दीक्षा कैसा, मज़ा आ रहा है? दीक्षा पहले रोया था इसको नीचे बैठना है पर अभी मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है। ओके थैंक यू, थम्स अप कर दें, थम्स अप। किधर देखो, वो देखो बस आई। हाँ बार बस आई ना। गाइस दीप्सा जब से इसको समझ आई है तब से आज पहली बार बस में बैठा है। दीप्सा अपन कहाँ जा रहे हैं बस में? जोधपुर जा रहे, देख लो अभी दीप्सा को जोधपुर जा रहा है, शिरडी जा रहे, शिरडी कहाँ जा रहे? हाँ जोधपुर नहीं। गाइस दीप्सा मजे ले रहे हैं, इसको मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम बस में बैठा है, बाकी हमेशा ये ट्रेन में ही ट्रेवल करता है। तो बाहर देख रहा है अभी, अभी हम लोग खड़की पहुँचे, बाहर कौन फेंकेगा? दीप्सा समझदार बच्चा है, बाहर नहीं फेंकेंगे, मस्ती करेगा तो बाहर फेंकेंगे। मॉल है ना, इतना बड़ा मॉल है, मेट्रो का काम चालू है बाहर रोड पे, मेट्रो का काम चालू है। सो हेलो गाइज हम लोग पहुँचे अभी शिवाजी नगर से अभी निकलने वाली गाड़ी रवाना हो गई है, अभी तक हम पूना में ही हैं, शायद 1 घंटा और लगेगा हमको पूना से निकलने में और टाइम हो गया है लगभग 10:51, 9 बजे हम बैठे थे। गाइज अभी हम कहीं एक जगह होटल पर रुके, बस अभी होटल पर रुकी हुई है एक जगह पे, हम लोग भी बैठे हैं। हेलो दीप्सा। हेलो। मस्त नींद आया था, सो रहा था होटल पर, रुके थे उठ गया, अभी वापस सो जाते हैं, शिरडी जाके उठेंगे अभी। बस निकला हमारा, हम लोग आ गए अभी शिरडी, साई बाबा जस्ट पहुँचे और सुबह के 4:30 बज रहे हैं, थोड़ा आधा घंटा लेट है बस। गाइस बस से उतरते ही आदमी मिला है, बोल रहा है कि हमारा होटल है और नहाने का 1 घंटे के लिए रूम देंगे, कुछ तो 200 बोल रहे दो जने का, फिर नहा धो के मंदिर में दर्शन करने को जा सकते हैं, नज़दीकी मंदिर है बोले। और यहाँ पे बस स्टॉप है, ये सामने गवर्नमेंट ST बस स्टॉप है, साई बाबा हॉस्पिटल। कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है? हम लोग आ गए शिरडी, बोला हम लोग आ गए शिरडी। साई प्रभु इन होटल का नाम है, बाहर ही जाए वाला है, साई बाबा का फोटो लगा हुआ है होटल में, देखते अभी रूम मिल गया तो रूम वगैरह लेके नहा धो के फिर निकलते हैं मंदिर में, बाहर तो अभी अंधेरा गाइस, अभी कितना 4:30 बज रहा है।
अपने को रूम नंबर मिला है 503। ये रूम है, डबल बेड, ये वॉशरूम है। चलो अच्छा है, अभी नहा धो के तैयार हो जाते हैं। अभी सो गाइस फाइनली हम लोग हैं नहा धो के तैयार और अभी जा रहे हैं शायद शिरडी साई बाबा मंदिर दर्शन करने को। देखते कितना गर्दी वहाँ जाने को, अच्छा कुछ निकलते अभी, टाइम हो गया अभी 5:36, 5:30 बजने को है, चलो निकलते। सो गाइज मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं था सो मैं अंदर का ब्लॉग बना नहीं पाया, लेकिन हम 5:30 बजे लाइन में लगे थे और हमारा 10:30 बजे हमारा दर्शन हुआ था। बहुत लंबा लाइन था और बहुत ज़्यादा गर्दी था। देखिए आप ही देख लीजिए, अभी 5:30 बजे मैं लाइन में खड़ा रहा और 10:30 बजे मेरा नंबर आया था और उसके बाद हम लोग वहाँ कुछ वीडियो बना नहीं पाए, तो फिर वहाँ से फ्री होने के बाद हम सनी सिंगमापुर के लिए निकल गए थे। हेलो गाइस, हम लोग आ गए शिरडी साई बाबा के दर्शन करके और अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था तो मोबाइल लेके नहीं जा पाया, तो कुछ भी शूट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग आए हैं, अभी यहाँ से जा रहे हैं सनी सिंगमापुर